हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टेक एडू क्लासेस। आज हम लोग इम्पोर्टेंट बट बहुत ही आसान एक टॉपिक जानने वाले हैं, न्यूटन और डाइम का रिलेशन। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट, और डाइम क्या होता है? डाइम होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट। ओके, वन न्यूटन मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक वन केजी का बॉडी के ऊपर ऐसा कोई फोर्स दिए है जिस फोर्स की वजह से इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है, ऐसा कोई फोर्स जिसके वजह से 1 केजी का कोई भी मास का ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स देने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सीलरेशन हुआ है, तो हम लोग इस फोर्स को बोलते हैं 1 न्यूटन। क्लियर? तो ये 1 न्यूटन है। और 1 डाइन क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस यूनिट। क्या होता है 1 डाइन? 1 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोर्स दिए हैं, और जितना फोर्स दिए हैं कि इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 डाइन। क्लियर? ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आएंगे 1 न्यूटन मतलब क्या होता है। 1 न्यूटन मतलब होता है 1 केजी × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आया? न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम लोगों को पता है F=ma × a, m × a, mass × acceleration। ओके, ये है मास 1 केजी, ये है एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से 1 केजी मतलब क्या होता है? 10³ ग्राम, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 10² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ? जैसे ही ये न्यूटन का निकला वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होगा? डाइम का होगा। तो ये क्या हो गया? 10⁵ डाइम। दैट मीन्स 1 न्यूटन = 10⁵ डाइम। बहुत इजी है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।